हेलो दोस्तों, अगर आप अपना करियर आईटी फील्ड के अंदर बनाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब ओपन कीजिएगा, यहाँ पर सर्च बार में विशेष मलिक टाइप कीजिएगा तो सबसे पहले मेरा चैनल का ही आपको लिंक दिखाई देगा। चैनल पर आने के बाद यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को चेक मार्क कीजिए सेव, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको डिस्प्ले हो जब भी मैं कोई भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ। अब सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर विंडोज सर्वर 2012 की हिंदी में वीडियो देख सकते हैं, जो कि 126 है। सीसीएनए स्विचिंग 41, सीसीएनए राउटिंग 72, ये बहुत सारी वीडियो। दोस्तों, मेरा चैनल जो है वे वर्ल्ड का सबसे बड़ा चैनल है विंडोज सर्वर 2012 की वीडियोस का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग RHEL 7 की इंस्टॉलेशन कमांड लाइन के द्वारा डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सभी ऑप्शंस को सिलेक्ट करके इंस्टॉलेशन कंटिन्यू की थी, और जैसे ही वो सभी 1189 पैकेज इंस्टॉल होंगे तो कुछ टाइम के बाद मशीन जो है वो ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मशीन जो है वो रीस्टार्ट हो चुकी है। जैसी मशीन जो है वो रीस्टार्ट होती है तो ये आपके सामने दो ऑप्शंस आ जाते हैं। अगर आप अपनी मशीन को लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बूट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके अपने कीबोर्ड से एंटर की प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, जैसे ही आप फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करते हैं तो कुछ टाइम के बाद यहाँ पर कुछ फाइल्स जो है वो लोड होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर आप देख भी रहे हैं कि बूटिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। वेट कीजिए यहां पर थोड़ा। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने लाइसेंस इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है, और यहां पर आप देख सकते हैं लाइसेंस नॉट एक्सेप्टेड। तो आपको लाइसेंस एक्सेप्ट करने के लिए वन प्रेस करना होगा अपने कीबोर्ड से। तो आप वन प्रेस कीजिए और एंटर की प्रेस कीजिए। अब देखो, जैसे ही लाइसेंस इंफॉर्मेशन को चेक करने के लिए आप वन प्रेस करते हैं तो लाइसेंस इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले हो जाती है। अगर आप लाइसेंस एग्रीमेंट को रीड करना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से अगेन वन प्रेस कीजिए। अगर आप बगैर रीड किए ही आप लाइसेंस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आप टू प्रेस कीजिए। दोस्तों, अगर आप लाइसेंस एग्रीमेंट को रीड करना चाहते हैं तो आप आराम से वन प्रेस करके जो भी लाइसेंस टर्म्स एंड कंडीशंस है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रेड हैट ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो आप आराम से रीड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बगैर रीड किए हुए इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि पहले आप लाइसेंस की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस रीड कीजिए, उसके बाद ही आप इसको एक्सेप्ट कीजिए। तो मैं यहाँ पर एक्सेप्ट करने के लिए अपने कीबोर्ड से टू प्रेस कर रहा हूँ और एंटर की प्रेस कीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइसेंस एग्रीमेंट जो है वो एक्सेप्ट हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और कंटिन्यू करने के लिए सी प्रेस कीजिए। अपने कीबोर्ड से सी प्रेस किया, देन एंटर की प्रेस कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइसेंस एक्सेप्टेड का ऑप्शन आपके सामने डिस्प्ले हो गया है। अब अगेन आपको सी प्रेस करना है इंस्टॉलेशन कंटिन्यू करने के लिए। सी प्रेस कीजिए और एंटर। देखिए दोस्तों, इंस्टॉलेशन जो है वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। अब आपके सामने यहाँ पर इस मशीन का कंप्यूटर नेम आप देख सकते हैं, लोकल होस्ट, और जिस भी यूजर को आपको लॉगिन करना है वो आप लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन कमांड प्रॉम्प्ट के द्वारा करते हैं तो वहां पर हम लोग पैकेज सिलेक्शन के अंदर हमने वहां पर सिलेक्ट किया था सर्वर विद GUI, लेकिन दोस्तों ये जो आपके सामने अभी लोड हुआ है ये मिनिमल इंस्टॉलेशन लोड हुई है। अब हमें मिनिमल
इंस्टॉलेशन को मैन्युअली कमांड के द्वारा कन्वर्ट करना पड़ेगा सर्वर विद जीयूआई, यानी कि ग्राफिकल के अंदर। तो उसके लिए सबसे पहले आपको रूट यूजर को लॉगिन करना पड़ेगा। तो रूट यूजर को लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आप यहां पर यूजर नेम प्रोवाइड करेंगे, एंटर की प्रेस कीजिए, और इंस्टॉलेशन के टाइम पर जो आपने रूट यूजर का पासवर्ड डिसाइड किया था वो आप टाइप कीजिए। दोस्तों, जब भी आप रूट यूजर का पासवर्ड टाइप करेंगे वो आपको डिस्प्ले नहीं होगा। रूट यूजर का पासवर्ड टाइप करने के बाद आप जस्ट अपने कीबोर्ड से एंटर की प्रेस कीजिए और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रूट यूजर जो है वो लॉगिन हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग कमांड रन करेंगे मिनिमल को जीयूआई में कन्वर्ट करने के लिए। दोस्तों, पैकेज सभी वही इंस्टॉल हुए हैं 1189, जो हमें सर्वर विद जीयूआई के लिए रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन लोड जो है यहाँ पर मिनिमल इंस्टॉल होती है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जो कमांड यूज करते हैं, सिस्टम सीटीएल स्पेस इनेबल स्पेस ग्राफिकल डॉट टारगेट हाइफन हाइफन फोर्स। दोस्तों, ये कमांड हम लोग यूज करते हैं मिनिमल को ग्राफिकल में कन्वर्ट करने के लिए। टाइप करके आप अपने कीबोर्ड से एंटर की प्रेस कर दीजिए। एंटर की प्रेस करने के बाद अब हम लोग अपनी मशीन को रीस्टार्ट करेंगे। रीस्टार्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं INIT space 6। टाइप करके आप अपने कीबोर्ड से एंटर की प्रेस कर दीजिए और आप यहां पर देख सकते हैं कि मशीन जो है वो रीस्टार्ट हो चुकी है। रीस्टार्ट होने के बाद अगेन आपके सामने वही दो ऑप्शन मिलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके आप एंटर की प्रेस कीजिए और एंटर की प्रेस करने के बाद कुछ टाइम के बाद अगेन वो फाइल्स जो है वो लोड होना स्टार्ट हो जाती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। थोड़ा सा वेट कीजिएगा दोस्तों उसके लिए। दोस्तों, कुछ टाइम के बाद में केडम कर्नल मेमोरी का ऑप्शन आएगा यहाँ पर। तो उसके लिए आप सभी ऑप्शंस को एज इट इज रख के आगे चल के हम लोग दोस्तों डिस्कस भी करेंगे कि के डंप मेमोरी होती क्या है। चाहे तो आप यहीं पर उसको उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस देख भी सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो मैं इसको इस ऑप्शंस को एज इट इज रख के फॉरवर्ड पर क्लिक करता हूँ। यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं किसी भी पैचेज वगैरह के लिए या फिर किसी भी ऑप्शंस के लिए, लाइन रेडिट ऑर्गेनाइजेशन। जस्ट आप फिनिश पर क्लिक कीजिएगा। फिनिश पर क्लिक करते ही आपकी मशीन के अंदर इंस्टॉलेशन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है और आपके सामने यहाँ पर लॉग ऑन स्क्रीन आ जाती है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉग ऑन स्क्रीन जो है वो आ चुकी है। इंस्टॉलेशन के टाइम पर जो हमने प्रीत यूजर क्रिएट किया था वो आपके सामने है और यहाँ से आप किसी ऐसे यूजर को भी सिलेक्ट कर सकते हो जिस जो यूजर यहाँ पर लिस्ट में डिस्प्ले नहीं हो रहा था। नॉट लिस्टेड पर क्लिक कीजिएगा। सबसे पहले यूजर नेम जो भी आप लॉगिन करना चाहते हैं, देन उस यूजर का पासवर्ड। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन जो है वो कमांड लाइन के द्वारा सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है। दोस्तों, जब भी आप लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के बाद या इंस्टॉल करने के बाद कभी भी किसी भी यूजर को फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं, चाहे वो सुपर यूजर है या फिर एक नॉर्मल यूजर है, तो फर्स्ट टाइम जब भी आप किसी भी यूजर को लॉगिन करते हैं तो आपके सामने यहां पर वेलकम ऑप्शन हमेशा डिस्प्ले होगा। तो यहां पर लैंग्वेज आप क्या यूज करना चाहते हैं, इंग्लिश यूएस को एज इट इज रख के नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। इनपुट सोर्स यूएस इंग्लिश ही रहने दीजिए, नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए और जस्ट स्टार्ट। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद अगेन यहां पर एक
ऑप्शन पेज ओपन होता है, इसको भी आप क्लोज कर दीजिए और आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन कमांड लाइन के द्वारा सक्सेसफुली कंप्लीट की है। तो आगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इतना ही।